बुंदेला शाह मनियनपुर कोतवाल को निलंबित नहीं करो, बर्खास्त। टीवी चैनल के पत्रकार अजय कुमार को जेल भेजे जाने के मामले में कोतवाल के विरुद्ध जबरदस्त उमड़ा आक्रोश। कौशाम्बी जिले के टीवी चैनल के एक पत्रकार को मनियनपुर कोतवाल द्वारा फर्जी तरीके से जेल भेजने के मामले में जिले में व्यापक आक्रोश उमड़ा है। अधिवक्ता संघ के साथ पत्रकारों के सभी संगठन के साथ साथ जिला कांग्रेस कमेटी, किसान मंच सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने पत्रकारों को समर्थन देकर मनियनपुर कोतवाल उदयवीर सिंह को निलंबित करने के बजाय बर्खास्त करने की आवाज एक सुर से बुलंद की है। पत्रकारों के समर्थन में आज एक बैठक अधिवक्ता हाल में संपन्न हुई है, जहां मॉडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे हैं। इस बैठक में स्वामी समर्थ, किसान मंच, दलित सेना, लोक जनशक्ति पार्टी, गौरव क्रांति मोर्चा, जनसत्ता दल, कोटेदार संघ के साथ साथ विभिन्न संगठनों ने पत्रकारों के न्याय की लड़ाई में उन्हें समर्थन दिया है। बैठक में कहा गया है कि मजिस्ट्रेटी जांच चल रही थी तो पत्रकार को कैसे जेल भेजा गया है, यह अधिकार मनियनपुर कोतवाल को किसने दिया है। इस बैठक में लखनऊ में हुए अधिवक्ताओं की हत्या का भी मुद्दा उठा है और लखनऊ में मृतक अधिवक्ता के परिवार को 50-50 लाख मुआवजा दिए जाने और अधिवक्ताओं के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग भी उठी है। धरना प्रदर्शन कर रहे आक्रोशित लोगों ने मनियनपुर चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर सड़क जाम कर अपनी आवाज बुलंद की है और कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी से बात कर कार्यवाही की मांग की। खबर जगत कौशाम्बी से सगीर अहमद की रिपोर्ट। पूर्व अध्यक्ष भाई महोदय त्रिपाठी जी, वर्तमान महामंत्री राजेंद्र द्विवेदी जी, पूर्व महामंत्री अजय पांडे जी एवं अधिवक्ता साथियों एवं पत्रकार बंधुओं, आंदोलन को जितना बृहद रूप दे सके यही हमारी सबसे बड़ी सफलता होगी और हमारे आंदोलन को यूपी बार काउंसिल का समर्थन प्राप्त है और उसी के आह्वान पर हम लोग आज इस मीटिंग को कर रहे हैं। पत्रकार बंधुओं का पूरा पूरा सहयोग है और पत्रकार बंधुओं के मामलों को लेकर के एक निर्णायक लड़ाई की जरूरत है। हम लोग एक रहेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और रहा सवाल इंस्पेक्टर मनियनपुर का, तो वो बिल्कुल से निरंकुश है। मुझे तो यहाँ तक की सूचना मिली है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को अपना करीबी कहता है और लगातार तमाम ढेर सारी कमियों के बावजूद, गड़बड़ियों के बावजूद, गड़बड़ होने के बावजूद अभी तक उसको एसपी कौशाम्बी और डीएम साहब का आशीर्वाद प्राप्त है, हाथ में खेल रही है। साथियों, एक हत्या अभी जो है इलाहाबाद में हुई और दूसरी हत्या मिशन सत्या जो है लखनऊ में हुई, उसके अलावा कई बार जो है पत्रकार बंधुओं को बिल्कुल बर्बरता के साथ पुलिस प्रशासन के द्वारा पीटा गया। चलिए कम से कम मान लीजिए अगर अधिवक्ताओं की हत्या हो, उनको किसी अपराधी ने मारा या शूटर ने मारा, लेकिन जो पत्रकारों का लगातार पुलिस बर्बरता बरत रही है, शासन बिल्कुल अपने कान में दिल डाल करके बैठा हुआ है, उसकी आवाज न तो अधिवक्ताओं की जा रही है और न पत्रकारों की जा रही है। ये